शरण जमाल यार से अंजुमन तमा। आदाब, हेलो, सत श्री अकाल। आज की शाम की शुरुआत अंजुमन के फाउंडर करेंगे जिनका नाम है रियासत अली असरार। उनको मैं दावत देना चाहूंगी स्टेज पे, तो कैन यू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। रियासत अली असरार, सबसे पहले तो माजरत, हम 20 मिनट लेट चल रहे हैं। आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ वॉलेंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। वॉलेंटियर्स की निशानदेही ऐसा कर सकते हैं कि उन लोगों के गलों में वॉलेंटियर्स के बैचेस रहेंगे इस तरह के, और हम इवेंट के दौरान जो है ना स्नैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। चश्मे शीरी का जेरो बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रखते नम, मोती की आग गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हसी उफक से हुवेदा हुई है तू, लहजा मली है कि नमक खार हो तेरा, सेहत जबा में है कि बीमार हो तेरा, आजाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हो तेरा, तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, शाहों पे खंदजन हूँ कि तेरा गुलाम हूँ। शाम रेख्ता में आप सबका खैर मकदम है। ये शाम उर्दू की उन शामों में से है जो फिर एक नई सुबह के आगाज़ की सम्त ले जाती है और रोशन कल का ऐलान करती है। रेख्ता फाउंडेशन और अंजुमन फ़न्नान की जानिब से इस महफिल में आप उर्दू की मुख्तलिफ़ सूरतें देखेंगे, नसर व नज़्म के साथ साथ मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। रेख्ता 2012 ईस्वी को दिल्ली में क़ायम करदा उर्दू दुनिया के सबसे बड़े कारनामों में से एक कारनामा है। इस वारिस उर्दू के पास उर्दू का जितना सरमाया है वो शायद ही किसी के पास हो। रेख्ता.org जो वेबसाइट है उस पर तकरीबन 30,000 से ज़ायद गज़लें और 3,000 से ज़ायद नज़में तीनों रस्म अल-ख़त में मौजूद हैं और हर लफ्ज़ के मानी के साथ मौजूद हैं। इनमें से चंद के वीडियोज़ और ऑडियोज़ भी मौजूद हैं। उर्दू अदब के तारीख के अक्सर व बेशतर शोरा का कलाम और उनके नामों की फहरिस्त भी मौजूद है। तकरीबन 70,000 किताबें भी मौजूद हैं जिसमें हर वो उनवान मिल सकता है जो उर्दू में लिखा गया हो। और रही बात अंजुमन की, अंजुमन 2018 ईस्वी में कायम करदा नौजवानों की अदबी तंजीम है जो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने मादरी जबान की खिदमत कर रही है। हैदराबाद के दीगर नौजवान अदबी फ़नी समाजी तंजीमों के साथ मिलकर उसने इस वर्कशॉप्स, प्रोसोडी वर्कशॉप, शहर ये शहर एक गुलिस्तान है, ओपन माइक उर्दू शायरानों में एक गुलिस्तान है, और क्लासिकल पोइट्स की याद में सेमिनार्स मुनक़िद करवाए हैं महज सिर्फ एक साल में। आप देख सकते हैं कि आज की शाम में जितने सितारे आपको नज़र आएंगे सब ताज़ा दम होंगे। वॉलेंटियर्स से लेकर फाउंडर्स तक, फनकार, हर कोई यहाँ पर ताज़ा दम नौजवान है। ये उन लोगों के लिए एक जवाब भी हो सकता है जिन्हें ये खदशा है, जिन्हें ये शिकायत है कि उर्दू मर रही है, या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, या उर्दू सिर्फ बूढ़ों और बुज़ुर्गों में रह गई है, या उर्दू का काम नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। उर्दू दायमी है और इसका एक सबूत, एक दलील ये भी है कि आज की उर्दू की शाम सारी की सारी जिम्मेदारी और काम नौजवानों के कंधों पर है। एक बात और बताता चलूं कि फ़िलहाल इन कंधों पर 400 साल कदीम अदबी सरमाए अदबी सरमाए की जिम्मेदारी है। मुमकिन है कि कहीं कहीं कदम लड़खड़ाए जैसे अभी लड़खड़ाए थे, और यकीन है कि सफ़र बराबर जारी रहेगा। आज की शाम भी हम में से किसी से कुछ अगर भूल हो जाए तो महज उर्दू की मोहब्बत में से माफ़ कर दीजिएगा। आइए उस शहर में एक शाम बिताते हैं जहाँ से उर्दू का पहला दीवान निकला था, जहाँ से उर्दू की पहली शायरा माँ लका बाई ने गज़लें कही थी, जहाँ से अमजद ने रुबाइयाँ पढ़ी थी, जहाँ से मखदूम ने इसी जबान के सहारे इनकलाब उठाए थे, जहाँ
जहाँ हजरत दाह देहलवी अभी भी आराम फरमा है। इस जहाँ इस शहर ये शहर एक दबिस्तान है और उर्दू के दबिस्तानों में एक दबिस्तान है, उसी दबिस्तान उसी एक अदबी कहकशां की शाम गुजारने के लिए आप सबका खैर मकदम करता हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदा और भी है। बहुत शुक्रिया। रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम।